नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप चहल आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल चहल ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे ये दरवाज़ा है, जो जाली वाला दरवाज़ा, डोर क्लोजर बोलते हैं इसको, जो दरवाज़ा खुलने के और बंद करने के काम आता है। इसमें एक होता है कि एक तो बिल्कुल आराम से खुल जाए, आराम से बंद हो जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत स्पीड में शुरू हो जाता है। तो इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम घर पे ही, मैं इस वीडियो में आप लोगों को वही बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और नए व्यूवर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको कैसे हम सही कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सेंचुरी कंपनी का डोर क्लोज़र हमने अपने घर पे लगाया है, जो मोस्टली जैसे कि डोर क्लोज़र का यूज होता है घरों में और ऑफिस में, जो एक बाहर जाली वाला दरवाज़ा लगाया जाता है जो हवा की क्रॉसिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और इसमें स्पीड बहुत मैटर करती है। इस टाइप का जो डोर क्लोज़र लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि दरवाज़ा आराम से खुले और आराम से बंद हो, लेकिन कभी कभी स्पीड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए आप कि दरवाजे जैसे स्पीड में बंद हुआ और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आई। तो मैटर करता है कि स्पीड को हम घर पे ही सही कैसे करें। तो इसको हम घर पे आसानी से सही कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर 1 और 2 जैसे जो दो बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, जो बाकी किसको फिट करने वाले बोल्ट को अलग से हैं, 1 और 2 दो बोल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन 1 नंबर और 2 नंबर के जो बोल्ट है इनका बहुत अहम रोल होता है। तो ये देखिए अभी भी दरवाज़ा बहुत स्पीड में बंद होता है और आवाज़ भी ज़्यादा करता है। तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, तो ये देखिए इसमें एक ऊपर वाला 1 है और नीचे वाला 2 है। जो ऊपर वाला 1 होता है ये दरवाजे को खोलने के लिए यूज किया जाता है, इसकी स्पीड हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर उसको हम लूज़ करेंगे तो दरवाज़ा आसानी से जल्दी खुल जाएगा, और उसको अगर हम टाइट करेंगे तो दरवाज़ा को खोलने में हमें ज़ोर लगाना पड़ेगा। सेम चीज़ आ जाती है, जो 2 नंबर है वो दरवाज़ा बंद करने के लिए उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। जो 2 नंबर है अगर उसको हम लूज़ रखेंगे तो दरवाज़ा एकदम झटके से बंद होगा, अगर उसको हम धीरे धीरे टाइट करते जाएंगे तो दरवाज़ा वो धीरे धीरे और आराम से बंद होगा। तो आप लोगों को जब भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके घर में आती है तो आप लोग भी इस तरीके से उसकी स्पीड को कर सकते हो कंट्रोल। 1 और 2 जो नंबर है उनको आप पहले उनको लूज कर लीजिए, फिर धीरे धीरे टाइट करता जाइए। आपको जितनी ज़रूरत हो, जितना सही लगे कि मेरे दरवाजे की ये स्पीड इनफ है, उसी हिसाब से आप लोग सही कर सकते हो। तो ये आप लोगों ने देखा कि दरवाज़ा बिल्कुल आराम से बंद हो रहा है, मैंने उसकी जो स्पीड है वो सेट कर दी है। तो ये देखिए आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। 1 को भी आपको भी ये जो बोल्ट है आराम से पेचकस से आप इनको सही कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।